हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडेंट चैनल पे। इसका नाम है किससे को जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार। एमएसटी सीटी 2022 के स्टूडेंट यार, कैप राउंड काउंसलिंग 3 की जो है यार, कल आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। और अलॉटमेंट होने के बाद सभी लोग को कॉलेज कल होप करते हैं मिल जाए, ठीक है। पर अभी उसके पहले बात करते हैं कैप राउंड 1, 2 और 3, क्या कट ऑफ गिर जाएंगे कि नहीं। मतलब अगर देखो, कट ऑफ कम नहीं हुए, कट ऑफ उतने के उतने ही रहे और ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो जो बच्चों ने वापस होप लगा के कॉलेज फिल किए हैं, उन लोग का तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा यार, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उन लोग को फिर बहुत कुछ अलग कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यार यही कहूँगा स्टूडेंट, सीट्स तो देखो भाई कम है, सीट्स तो आपको भी दिख रहा होगा बहुत कम बचे हैं, किसी में 2, किसी में 3। मैंने मैक्स सीट अगर किसी कॉलेज में देखी है तो वो 8-10 के आसपास देखी है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए सीट थोड़ी मोड़ी बची भी है, SC ST के लिए तो काफ़ी कम बची हुई है, ठीक है। OBC के लिए भी कुछ कुछ सीटें हैं, ठीक है। माइनॉरिटी वगैरह की भी सीटें चलो कम ही है, सब सबकी सीटें कम ही बची है। तो कट ऑफ का मैं यही कहूँगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा तो चांस मत रखना, बहुत ज़्यादा होप भी मत रखना। ऐसा हो करके मतलब एकदम बुरे के लिए सोच के चलोगे तभी अगर कुछ मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। वैसे भी अगर बेटरमेंट वालों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके पास एक कॉलेज पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले ही कहा था कैप राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा। पर अगर कैप राउंड 2 में कॉलेज नहीं होगा तो कैप राउंड 3 में डायरेक्ट कॉलेज लेने में बहुत दिक्कत होता है। तो कट ऑफ तो देखो पक्का डिक्रीज होंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। पर ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, सभी को कॉलेज मिल जाएगा, तो देखो किसी ना किसी को तो ज़रूर है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है कि अभी कॉलेज ना मिला, पर यार आपको अलग अलग फिर आइडिया आते रहेंगे, मैं आपको खुद बताता रहूंगा क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो, अलग अलग चीज़ें कि कहाँ जाना चाहिए अगर नहीं मिला कैप राउंड में कॉलेज तो, ठीक है। होप करता है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो करते हैं, थैंक यू।